बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसेस आप सभी बच्चों का कंपटीशन अनुरशन में स्वागत करती हूं लास्ट वीडियो के अंतर्गत हमने शब्द विचार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू के माध्यम से तीन प्रकार के आधार में शब्द की रचना जो है वो जानी थी पहला आधार हमने जाना था रूढ़ यौगिक योग रूढ़ को जो इतिहा आपके रचना के आधार पर शब्द थे दूसरा जाना था इतिहास के आधार पर शब्द जिसमें हमने तत्सम तद्भव देशज विदेशज को जाना था तीसरा आधार जाना था हमने अर्थ के आधार पर जिसके अंतर्गत हमने तमाम प्रकार के अर्थ में हमने पर्यायवाची, एकार्थी अनेकार्थी समोच्चारित और युग्म शब्द की चर्चा की थी आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक को जो आपका महत्वपूर्ण पक्ष है और वो कहलाता है हमारे लिए शब्द पद अब ये आप कहेंगे कि शब्द पद क्या होते हैं तो जो आपने जाना था कि सबसे छोटी मौखिक रूप में ध्वनि है ध्वनि से हम सांकेतिक चिन्ह में उसे वर्ण का रूप देते हैं वर्ण के संयुक्त अक्षर होने से निर्माण होता है शब्द का इस शब्द के आधार पर आपने जो रचना के आधार पर शब्द पढ़ा था रूढ़ को आपने इतिहास के आधार पर पढ़ा था तत्सन देशज और विदेशज को तीसरा आधार पढ़ा था आपने अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक को उसी में आपका चौथा आधार है आपका प्रयोग व रूपांतरण के आधार पर यही प्रयोग और के आधार पर जिन शब्दों शब्दों का निर्माण होता है, उन्हीं शब्दों को शब्द पद कहा जाता है इसी शब्द पद में हमारे पास दो प्रकार के शब्द हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है तो दो प्रकार के शब्द क्या होते हैं तो समझने वाली ये बात है कि दो प्रकार के शब्द की बात करें तो शब्द पद दो प्रकार का होता है ठीक है शब्द पद दो प्रकार के होते हैं जब किसी रचना इतिहास और अर्थ के आधार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग करते समय यदि वो शब्द वचन के अनुसार यदि वह शब्द लिंग के अनुसार यदि वह शब्द कारक के अनुसार विकार उत्पन्न करते हैं तो ऐसे शब्दों में एक होता है हमारे लिए विकारी शब्द पद और एक होता है जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता यानी कि होता है हमारे लिए अविकारी शब्द पद इसी विकारी शब्द पद में आप किन किन चीज़ों को पढ़ते हैं तो देखने वाली बात है कि यहाँ से हम जानेंगे कि विकारी शब्द पद और अविकारी शब्द पद क्या होते ठीक है तो जब आपके द्वारा विकारी शब्द पढ़ा जाता है तो आखिर ये विकारी शब्द पद क्या होते हैं अभी मैंने बताया कि जिन शब्दों का प्रयोग करते समय अगर वो शब्द वचन के अनुसार लिंग के अनुसार कारक रचनाओं के अनुसार विकार या परिवर्तन उत्पन्न कर लेते हैं तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है चार प्रकार के विकारी शब्द आपके होते हैं एक होती है हमारे लिए संज्ञा ठीक है एक होती है हमारे लिए सर्वनाम ठीक है एक होती है हमारे लिए विशेषण और एक होती है हमारे लिए क्रिया ठीक है ये चार प्रकार के विकारी शब्द होते हैं इनमें विकार उत्पन्न करने वाला जो कारण होता है, है जो इसकी वजह से परिवर्तन होता है वो होते हैं हमारे लिए वचन वो होते हैं हमारे लिए लिंग और वो होती है हमारे लिए कारक इन्हीं के आधार पर इन शब्दों में एक नए रूप से विकार या फिर हमारे लिए शब्दों में एक परिवर्तन जो है वो उत्पन्न होता है तो विकार और परिवर्तन उत्पन्न करता है तब ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिस पर किसी भी प्रकार का विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है विकारी शब्द को हम इंग्लिश में डेक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं और अविकारी शब्द को हम यहाँ पर हिंदी में अव्यय भी कहते हैं और इससे कही कहीं ना कहीं इनडेक्लिनेबल वर्ड्स के नाम से पुकारा जाता है इसके भी चार प्रकार के प्रयोग माने जाते हैं ठीक है एक होता है हमारे लिए क्रिया विशेषण ठीक है एक होता है हमारे लिए संबंध बोधक ठीक है तीसरा होता है हमारा संयोजक तीसरा है संयोजक इस संयोजक को समुच्चय बोधक भी कहा जाता है और चौथा होता है हमारे लिए विस्मयादि बोधक और दूसरी बात कि ये अव्यय या अविकारी क्यों कहलाते हैं क्योंकि ऐसे शब्द पद होते हैं जिनमें शब्दों का खर्च नहीं होता और न ही इन पर किसी प्रकार के आपके वकर्ता के लिंग वचन पुरुष और किसी भी प्रकार का इसमें वचन और लिंग के अनुसार कोई भी प्रयोग और परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता तो ऐसे जिसमें परिवर्तन या विकार उत्पन्न नहीं होता विकार या परिवर्तन नहीं होता ऐसे शब्दों को हम अविकारी शब्द की श्रेणी में रखते हैं ठीक है सबसे पहली बात कि ये अव्यय या अविकारी शब्द क्यों हैं? कहने वाली बात है कि यदि वो एक संज्ञा शब्द है मान लीजिए वह एक संज्ञा शब्द है जैसे कि संज्ञा शब्द में यदि वह जातिवाचक संज्ञा लड़का कहता है तो एक अगर देख रहे पुरलिंग तो स्त्रीलिंग के अनुसार यह लड़की हो जाता है इसी तरह अगर एक वचन बच्चा कहता है तो बहुवचन में यह बच्चे हो जाता है इसलिए इसे एक विकारी शब्द माना जाता है अब सर्वनाम विकारी शब्द क्यों है यदि वह सर्वनाम की बात करता है तो सर्वनाम में यदि वह मैं कहता है तो बहुवचन में वह बन जाता है हम और संबंध सूचक के तौर पर मेरा बन जाता है और इसी प्रकार संबंध सूचक के तौर पर विकार उत्पन्न होकर हमारा हो जाता है ठीक है अगली बात कि इसमें विशेषण एक विकारी शब्द क्यों है अब अगर वो कहता है विशेषण अब जैसे विशेषण की बात करते हैं तो विशेषण एक विकारी शब्द क्यों है अगर वो पुरलिंग के अनुसार मोटा कह रहा है तो स्त्रीलिंग के अनुसार वो मोटी कहेगा अगर वो एग्ज़ाम्पल के तौर पर कहता है जैसे कि आपका जैसे कि बहुवचन में तो मोटा है तो मोटे हो जाते हैं इसी प्रकार छोटा है तो लिंग के अनुसार वह हमारे लिए छोटी हो जाएगी ठीक है इसलिए इसे एक विकारी शब्द कहा जाएगा अब क्रिया विकारी शब्द क्यों है जब वह पुरलिंग है तो जाता है ठीक है और इसी सूचक के तौर पर जाति कहते हैं एक वचन में अगर वो जाता कहता है तो बहुवचन में उसे जाते कहा जाता है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो वचन के अनुसार और लिंग के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं ऐसे शब्दों को विकारी और जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता उसे अविकारी कहते हैं जैसे यदि हमारे लिए वो अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण है वह प्रतिदिन टहलता है राधा प्रतिदिन घूमने जाती है तो प्रतिदिन शब्द में किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ इसी प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर वो कहता है जैसे कि वृक्ष के नीचे राधा बैठी है वृक्ष के नीचे मोहन के पिताजी आराम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी के नीचे जैसा शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ राधा और गीता कहें गाय और बैल कहें ऐसे शब्दों में भी लिंग के अनुसार कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ हाय उफ कहता है अच्छा भला कहता है तो ऐसे शब्दों में भी किसी प्रकार का कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं हुआ तो सबसे पहले अब हम यहां पर से जानेंगे कि इनसे संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं तो यहां पर सबसे पहले यदि हम संज्ञा की बात करें तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को कही जाती है यहां पर संज्ञा आपके व्यक्ति वाचक होती है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं यहां पर संज्ञा जातिवाचक होती है जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं यहां पर संज्ञा आपकी समूहवाचक होती है जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन ठीक है इसी प्रकार जहाँ पर संज्ञा हमारे लिए एक होती है जो आपका होती है आपकी भाववाचक संज्ञा जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं और एक संज्ञा होती है हमारी जो है आपकी मटेरियल नाउन जिसे हम पदार्थवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं ठीक है तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम है एक ही प्रकार का व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम है तो व्यक्ति वाचक एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु स्थान या जाति का बोध है तो जाति वाचक एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु या प्राणी के समूह का बोध है तो समूहवाचक गुण दोष भाव का बोध कराने वाले तत्वों को भाववाचक और ऐसे तत्व जो तरल या ठोस अवस्था में हो जिसे नापा और तौला जा सके जिससे दूसरे पदार्थ बनाए जा सके उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं अब अगर हम दूसरे तत्व की बात करते हैं जो है हमारे लिए सर्वनाम संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है इस सर्वनाम में सबसे पहला होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द है व्यक्ति वाचक सर्वनाम जहाँ अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जब कोई पास या दूर के निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो तो निश्चित सर्वनाम कहलाता है ऐसे तत्व तो जो पास या दूर में हैं जिसकी निश्चितता का बोध ना हो तो वहाँ पर होता है हमारे लिए अनिश्चित सर्वनाम ठीक है एक सर्वनामिक शब्द से दूसरे सर्वनाम का जब संबंध बताता है तो संबंध बोधक सर्वनाम होते हैं और जहाँ प्रश्न पूछने के लिए किसी प्रकार के सर्वनामिक शब्द का प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर हमारे लिए प्रश्न वाचक सर्वनाम जो है वो पाया जाता है ठीक है इस संज्ञा और सर्वनाम के बाद में यदि हम बात करेंगे अब विशेषण की ठीक है तो विशेषण को ये भी यहाँ पर मैं सारी चीज़ों को शॉर्ट में समझा रही हूँ इससे संबंधित प्रश्न में आपको बतलाऊंगी तीसरा यदि वो विशेषण की बात करता है तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द को विशेषण कहते हैं सबसे पहला यदि वो रूप रंग आकार प्रकार संबंधी गुण संबंधी विशेषता बताए तो चक विशेषण कहते हैं जब वो हमारे लिए किसी संख्या के आधार पर उसकी विशेषता बताता है तो उसे हम संख्यावाची विशेषण के नाम से पुकारते हैं इस संख्यावाची के दो भेद हैं जब वो निश्चित बताता है तो निश्चित संख्या और जब वो निश्चित नहीं बताता तो वहाँ पर अनिश्चित संख्या होती है ठीक है तीसरा यहाँ पर आता है आपका परिमाण परिमाण का मतलब होता है नाप तौल संबंधी यदि वो विशेषता बताता है तो परिमाण वाचक है इसके भी दो रूप होते हैं एक तो निश्चित नाप तौल बताता है और एक होता है हमारे लिए अनिश्चित नाप तौल ठीक है इसके बाद में देखा जाए तो जब कोई एक सर्वनाम का शब्द किसी संज्ञा शब्द से पहले आता है और उस सर्वनाम के द्वारा उस संज्ञा शब्द की विशेषता बताई जाती है तो सर्वनामिक विशेषण कहलाता है इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और होता है गुण दोष यदि एक तुलना करता है जहाँ पर एक दूसरे से उसके बहुत ज़्यादा मेल होता है तो तुलनात्मक विशेषण के नाम से उसे पुकारा जाता है इन सब से हटकर यदि एक और पक्ष की बात करें तो इस मुख्य के बाद में एक व्यक्तिवाचक विशेषण और एक होता है हमारे लिए आपका प्रश्नवाचक विशेषण ये सब चार जो हैं हमारे लिए विकारी शब्द हैं इनको विकार उत्पन्न कराने का कारक होता है हमारे लिए वचन विकार उत्पन्न कराने का कारक होता है हमारा वचन यह वचन जो एक संख्या का बोध कराया तो होता है हमारे लिए एक वचन और एक से ज़्यादा हो गए तब हो जाते हैं हमारे लिए बहुवचन इसी प्रकार अगर वो लिंग कहता है तो सबसे बड़ा कारक होता है लिंग हिंदी भाषा में दो प्रकार का ही लिंग जो है है वो पाया जाता है एक होता है पुरलिंग और दूसरी होती है हमारे लिए स्त्री लिंग ठीक है अब कारक विभक्ति की यदि बात करें तो कारक विभक्ति की हम अगर बात करें तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत अगला तत्व यदि हम कारक की बात करते हैं तो कारक को कारक चिन्ह या विभक्ति के तौर पर पुकारा जाता है जिसमें हमारे लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान अधिकरण और अंत में होता है हमारे लिए संबोधन ठीक है ये हो गई हमारे लिए क्या आपकी कारक विभक्तियां अभी जहाँ इतनी चीजें बताई वहाँ एक चीज है जो थोड़ी सी स्कीप हो गई थी और वो हमारा विकारी शब्द में आती है क्रिया आखिर ये क्रिया क्या होती है किसी भी कार्य को करना या होना पाया जाए तो वहाँ होती है क्रिया उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति कहलाता है हमारा कर्ता यह कर्ता संज्ञा के अनुसार नाम धारण किए हुए बदले में सर्वनामिक शब्द को प्रयोग करता है है यही क्रिया या तो एक वचन में होता है या बहुवचन में यही कर्ता जो है वो हमारे लिए स्त्रीलिंग में या हमारे लिए यह कर्ता पुरुलिंग में होता है यह कर्ता पुरुष के अनुसार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष हो सकते हैं उस कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसके कि असर किस पर पड़ रहा है वो हमारा कर्म कहलाता है ठीक है तो वाक्य में जहां पर किसी भी कार्य का करना या किसी भी कार्य का होना पाया जाए तो उसे क्रिया कही जाती है अगली बात क्रिया के कितने प्रकार होते हैं कहा जाए तो क्रिया के प्रकार की यदि बात की जाए ठीक है तो क्रिया के प्रकार दो आधार पर होते हैं एक तो होता है हमारा कर्म के आधार पर क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया हमारी सकर्मक होती है और कर्म के आधार पर क्रिया हमारी अकर्मक होती है जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है वो सकर्मक है जहाँ कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं ठीक है थीके? रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है तो सबसे पहले रचना के आधार पर अगर हम क्रिया की बात करें तो रचना के आधार पर क्रिया हमारे पास जो होती है वह हमारी होती है सबसे पहले सामान्य क्रिया ठीक है रचना के आधार पर हमारी जो क्रिया हैं वह हमारी पहले होती है सामान्य क्रिया और सामान्य क्रिया किसे कहते हैं जिस वाक्य में सामान्य तौर पर किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं यह सामान्य क्रिया अकर्मक और सकर्मक दोनों वाला वाक्य जो है वो हो सकते हैं ठीक है थीके? दूसरी बात सामान्य क्रिया के बाद में एक होती है हमारी संयुक्त क्रिया जहाँ दो क्रियाओं को जोड़ दिया जाता है तो उसे हम संयुक्त क्रिया या हम उसे यौगिक क्रिया कहते हैं सकर्मक क्रिया को हम ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक क्रिया को इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं सामान्य क्रिया को सिंपल वर्ब और संयुक्त क्रिया को ज्वाइंट वर्ब या कंबाइंड वर्ब कहा जाता है अगला जहाँ पर संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के शब्द के नाम को धारण करके उसे क्रिया का रूप दिया जाता है उसे नाम धातु क्रिया यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव या नॉमिनेटिव वर्ब के नाम से पुकारा जाता है ठीक है अगली क्रिया जहाँ पर कर्ता किसी एक कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता है तो वहाँ पर होती है हमारे लिए प्रेरणार्थक क्रिया जिसे पॉजिटिव वर्ब के नाम से पुकारा जाता है अगली क्रिया होती है जहाँ कर्ता किसी कार्य को पूरा कर लेने के बाद उसी समय अन्य कार्य को करने में जुट जाता है तो उस कर्ता के द्वारा जो कार्य पहले पूरा कर लिया गया वही कर्ता की पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है अगली बात कि सबसे अंतिम होता है अनुकरणात्मक क्रिया अनुकरणात्मक क्रिया यानी किसी आवाज़ या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया जो है वो कही जाती है और इस तरह जो स्कीप हो गया था उसके अनुसार मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बात जितनी भी चीज़ें मैंने बतलाई हैं उनमें से आपके विकारी शब्द और विकारी शब्द में देखा जाए तो सबसे पहला विकारी है संज्ञा फिर है सर्वनाम फिर है विशेषण और चौथा विकारी शब्द हमारी कहलाती है क्रिया चौथा विकारी शब्द हमारी क्रिया की श्रेणी में आता है और इसके बाद में चौथा विकारी शब्द के बाद में हम यहाँ से अविकारी को जानते हैं और इस अविकारी के अंदर भी चार प्रकार के अव्य शब्द जो हैं वो अविकारी के तौर पर जाने जाते हैं अब आगे चलते हैं इसके आगे अब अगर देखा जाए तो ऐसे शब्द हैं जिस पर वचन लिंग कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द इस अव्यय या अविकारी शब्द में सबसे पहले होता है क्रिया की विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण अब अगर वो क्रिया की विशेषता बता रहा है समय के अनुसार ठीक है तो वहां पर होता है कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण ठीक है दूसरा होता है स्थान के अनुसार विशेषता बताया तो स्थान वाचक क्रिया विशेषण ठीक है और तीसरा होता है हमारे लिए अगर वो रीति कार्य करने का तरीका बता रहा है तो रीति वाचक क्रिया विशेषण और इसी प्रकार अगर वो मात्र बता रहा है तो वहाँ पर परिमाण वाचक क्रिया विशेषण जो है वो होते हैं ठीक है परिमाणवाचक जब किसी क्रिया की विशेषता बता रहा है तब तक तो वो क्रिया विशेषण है लेकिन क्रिया की विशेषता बताने वाला तत्व यदि संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के तुरंत बाद आता है और दूसरे शब्द पदों से उसका संबंध जोड़ता है तो संबंध बोधक अव्यय के नाम से पुकारा जाता है ठीक है आगे बात समझ में इस संबंध बोधक के बाद में तीसरा आता है संयोजक दो शब्द पदों को या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है हमारे लिए संयोजक या समुच्चय बोधक इसके दो प्रकार हैं एक होता है हमारे लिए समानाधिकरण है ना और दूसरा होता है हमारे लिए व्यधिकरण करण ठीक है समानाधिकरण और आपका होता है आपका व्यधिकरण वक्ता के विस्मय संबंधी बातों का जहां बोध होता है, तो वहां पर होता है है तो पर चौथा हमारे लिए विस्मयादि बोधक विश्मयादी बोधक में हर्ष दया घृणा आदि सारे भाव जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं तो विस्मयादि बोधक क्या होगा जिन शब्दों के माध्यम से उन शब्दों में विस्मय आदि भाव का बोध होता है तो वहां होता है हमारे लिए विस्मय दी बोधक ठीक है तो विस्मयादि बोधक की बात कीजिए तो इसमें आते हैं आपके हर्ष दया घृणा चेतावनी ये सारे भाव जो होते हैं वो विस्मयादि बोधक की श्रेणी में आते हैं तो इतने तत्व जो हैं आपके इससे संबंधित प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं किस तरह इसके अंदर की चीज़ों को आपको जानना है तो अभी मैंने आपको सिर्फ एक ऐसा रूप बताया जिसके अंदर आप इन चीज़ों को समझ सकते तो सबसे पहले मैंने बताया क्या कि एक ऐसा आज का शब्द है जिसको पढ़ना है जो हमारे लिए आपके कहलाते हैं शब्द पद ठीक है तो शब्द पद क्या होते हैं जब किसी अर्थ के आधार पर इतिहास के आधार पर और आपके रचना के आधार पर शब्द का प्रयोग किया जाता है और अगर वो शब्द पद वचन के अनुसार लिंग के अनुसार और कारक के अनुसार बदल जाते हैं तो ऐसे शब्द पद को हम शब्द पद की श्रेणी में रखते हैं इन शब्द पद में दो प्रकार के शब्द पद होते हैं एक होता है हमारे लिए विकारी शब्द पद ठीक है और एक होता है हमारे लिए अविकारी शब्द पद विकारी शब्द पद को हम डेक्लिनेबल वर्ड्स कहते हैं और अविकारी को हम इनडेक्लिनेबल वर्ड्स के नाम से पुकारते हैं अगली बात विकारी क्या हुआ कि ऐसे शब्द जो वचन लिंग कारक के अनुसार बदल जाते हैं उसे विकारी शब्द पद कहा जाता है और विकारी शब्द पद में आप कहते हैं संज्ञा जिसे हम नाउन कहते हैं सर्वनाम जिसे प्रोनाउन कहते हैं विशेषण जिसे एडजेक्टिव कहते हैं और क्रिया जिसे हम वर्ब के नाम से पुकारते हैं इनको विकार उत्पन्न करने का कारक होता है वचन लिंग और कारक विभक्तियां इसमें विकार और परिवर्तन होने की वजह से विकार और परिवर्तन होता है इसलिए इसे विकारी शब्द पद कहा जाता है इसके बाद आते हैं अविकारी ठीक है अब आता है आपका अविकारी इस अविकारी की बात की जाए तो अविकारी शब्द पद ऐसे होते हैं जिस पर वचन लिंग काल और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता इसमें आते हैं आपके क्रिया विशेषण जिसे एडवर्ब कहते हैं संबंध बोधक जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं संयोजक शब्द जिसे कि हम कहते हैं आपका कंजक्शन वर्ड्स ठीक है इसके बाद आते हैं आपके विस्मयादि बोधक जिसे इंट्रोजक्शन वर्ड कहा जाता है इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन और विकार उत्पन्न नहीं होता संज्ञा व्यक्ति वस्तु भाव का नाम है लड़का से लड़की बच्चा से बच्ची, ये सारे प्रभाव प्रभावित सर्वनाम संज्ञा के बदले आने वाला शब्द है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण है उनके द्वारा की जाती है क्रिया तो समझने वाली बात क्या हो गई यहाँ पर कि संज्ञा एक विकारी शब्द है संज्ञा एक समझने वाली क्या बात हो गई कि यहाँ पर संज्ञा एक विकारी शब्द है सर्वनाम भी एक विकारी शब्द है विशेषण भी एक विकारी शब्द है और इसी प्रकार अगर वो क्रिया की बात कर रहा है तो क्रिया भी हमारे लिए एक विकारी शब्द पद है ठीक है इसके बाद देखिए तो हम क्या पाते हैं इसके बाद हम पाते हैं कि संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के आधार पर व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा होती है सर्वनाम भी व्यक्तिवाचक निजवाचक निश्चित सर्वनाम अनिश्चित सर्वनाम संबंध बोधक और प्रश्नवाचक होते हैं विशेषण में गुणवाचक संख्यावाची संख्यावाची में निश्चित अनिश्चित परिमाण में निश्चित और अनिश्चित सर्वनामिक विशेषण और तुलनात्मक विशेषण होते हैं अगर इनको विशेष आप कारक विभक्ति के आधार पर देखा जाए तो कारक इनको कौन है कारक इनको आपके विकार उत्पन्न

किया है अब इन्हीं को बहुत आपके प्रश्न के माध्यम से समझने की हम यहां पर कोशिश करेंगे सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है प्रति वर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक संज्ञा ऑप्शन बी है जातिवाचक संज्ञा ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा और ऑप्शन डी है समूहवाचक संज्ञा जब किसी एक ही प्रकार का व्यक्ति है यानी कि दिन महीने पर्व त्यौहार नदी पर्वत पहाड़ स्थान है ठीक है पुस्तक है ग्रंथ है है ना फूल हैं वृक्ष हैं फल हैं यदि उनके एक ही प्रकार के तत्वों का नाम बताएगा तो उसे हम प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं जब एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति है प्राणी हैं या वस्तु है उनके जाति का बोध बता रहा है तो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है जब उन्हीं के गुण दोष भाव संबंधी बोध कराती है तो भाववाचक संज्ञा कहलाती है और जहाँ पर व्यक्ति वस्तु प्राणी के समूह का बोध हो तो समूहवाचक संज्ञा कहलाती है यहाँ नदी कहकर एक विशेष प्रकार से यहाँ पर एक नदी का नाम नहीं कहा गया क्योंकि प्राकृतिक तत्व पशु पक्षी इसी प्रकार आपके रिश्ते नाते सगे संबंध सभी आपके जातिवाचक संज्ञा में आते हैं इसलिए प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है कहते हैं तो यहाँ होता है जातिवाचक लेकिन यदि वो हिमालय पर्वत गंगा नदी कहता है अरब सागर प्रशांत महासागर हिंदी गणित विज्ञान भूगोल मालवी रोड वीआईपी चौक कहता है ना दिन महीने में अगर रविवार सोमवार कहता जनवरी फरवरी कहता तब वो हमारे लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होती तो प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है कहकर नदी का नाम नहीं बता रहा है और प्राकृतिक तत्व एक ही प्रकार की नदी नहीं है इसलिए यहां पर जातिवाचक संज्ञा आएगी अब आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे वाक्य में पंडित जी किस संज्ञा का उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा तो एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति है वस्तु है वस्तु प्राणी है उनके जाति का बोध तो सगे संबंध रिश्ते नाते पद व्यवसाय प्राकृतिक तत्व जो होते हैं वो सब हमारे लिए जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में कौन आता है जैसे कि मैंने अभी बताया दिन महीने पर त्यौहार नदी पर्वत पहाड़ स्थान ऐतिहासिक घटनाएं युद्ध समुद्र पुस्तक ग्रंथ व्यक्ति वस्तुओं के नाम यदि कहता है 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 वृक्ष के के नाम फल के नाम फल तो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा भाववाचक में अभी मैंने आपको बताया कि गुण दोष बताता ठीक तो वो हमारे लिए भाववाचक है और अगर वो आपके समूह बता रहा है व्यक्ति का वस्तु का प्राणी का तो समूहवाचक है यहां पर पंडित कह रहा है अब दिमाग का कंफ्यूजन कहता है कि पंडित शब्द तो कहीं ना कहीं एक व्यवसाय है एक कार्य है जो ब्राह्मण वर्ग के द्वारा निभाया जाता है लेकिन इस सिचुएशन में वाक्य को समझना आसान होगा जब इसके आंसर को हमको ढूंढना होगा तो भारत के पहले प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंडित जातिवाचक संज्ञा शब्द होकर भी यहां संबोधित कर रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को और इस वजह से पंडित जातिवाचक संज्ञा शब्द होकर भी चूंकि वाक्य जो है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को संबोधित कर रहे हैं इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कहता है पक्षी वृंद उन्मुक्त गगन में उड़ रहे हैं वाक्य में संज्ञा पहचानिए जातिवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने जातिवाचक और आपके व्यक्तिवाचक को समझ लिया भाववाचक समझ लिया आप समूहवाचक समझते हैं जब एक ही प्रकार के व्यक्ति वस्तु प्राणी की जाति के, के बोध हो तो वो जातिवाचक है लेकिन उनके समूह का बोध हो जैसे वृंद गण संघ अगर हम कहते हैं जन बारात कहते हैं टुकड़ी सेना जमघट प्रदर्शन रैली हुजुम जमावड़ा गुच्छा कहते हैं झुंड कहते हैं तो सभी हमारे लिए समूहवाचक की श्रेणी में आते हैं अब पक्षी वृंद कह रहा है चूँकि पक्षी के समूह का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका होगा सी ठीक है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका आंसर हो जाएगा आपका समूहवाचक संज्ञा ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन क्या कहता है पंडित की भाववाचक संज्ञा क्या है अगली बात ये चीज़ बता दो कि भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्द होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं गुण दोष यदि कहता है भाव संबंधी बोध कराता है तो भाववाचक संज्ञा होती है लेकिन कभी कभी भाववाचक संज्ञा जो है वो बनाई जाती है जब जातिवाचक संज्ञा में है ना जब हमारे लिए सर्वनामिक शब्द में ठीक है जब हमारे लिए क्रिया के शब्द में जब हमारे लिए विशेषण के शब्द में लगा दिया जाता है प्रत्यय इन चारों में यदि प्रयोग हो जाता है प्रत्यय का तो प्रत्यय का प्रयोग किए जाने से जातिवाचक संज्ञा सर्वनामिक शब्द क्रिया और विशेषण के शब्दों में कभी कभी अव्यय शब्द में भी अगर हम एक प्रत्यय को जोड़ देते हैं तो एक भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है पंडित जाति वाचक संज्ञा है इस पंडित का अगर हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो आंसर क्या होगा तो ऑप्शन दिया है पंडिताई ऑप्शन बी दिया है पंडिताऊ ऑप्शन सी दिया है पंडितपन और ऑप्शन दिया है आपका डी पांडित्य तो इसका आंसर होगा पांडित्य यदि वो लड़का कहता है जाति वाचक संज्ञान में तो लड़कपन होगा यदि वो अपना कहता है तो अपनापन होगा क्रिया चढ़ना है तो चढ़ाई हो जाएगा इसी प्रकार मीठा अगर कहता है विशेषण में तो मिठास हो जाएगी भीतर अव्यय शब्द है तो इससे भीतरी शब्द का निर्माण जो है वो होगा और इस तरह पंडित की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी हमारी पांडित्य ठीक है अगला आते हैं आपके सर्वनाम से शब्द में ठीक तो सर्वनामिक शब्द तो अभी मैंने कितने चार प्रकार के प्रश्न आपको किससे संबंधित बताए हैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा जाति वाचक संज्ञा समूहवाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा से बताएं अगर वो कहता जैसे कि मान लीजिए कहता कि बाज़ार में कई प्रकार के तेल बिकते हैं संज्ञा शब्द की पहचान कीजिए तो तेल एक तरल पदार्थ है जिससे और तत्वों का निर्माण किया जाता है तो सोना लोहा तांबा पीतल कांसा जस्ता शीशा टीन कहता इसी प्रकार लकड़ी कोयला कहता दूध तेल पानी दही घी शरबत कहता तो सब हमारे लिए पदार्थ व संज्ञा की श्रेणी में आते हैं तो बाज़ार में तेल बिकते हैं कहता तो वो हमारे लिए तेल जो है वो आपकी जाति संज्ञा में आ जाती लेकिन अगर ही कहता है, चमेली का तेल गहन, हनुमान जी को चढ़ाया जाता है तो व्यक्तिवाचक की श्रेणी में आ जाएगा और इस तरह आपके संज्ञा से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव के नाम को कही जाती है और उसके अंतर्गत पांच प्रकार की संज्ञा व्यक्तिवाचक जातिवाचक समूहवाचक भाववाचक और पदार्थवाचक संज्ञा पाई जाती है ठीक है अब यहां पर से प्रश्न आपका पूछ रहा है सर्वनाम से संज्ञा के बदले में प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है पहला प्रश्न कहता है निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है ऑप्शन ए है मैं यह काम आप ही कर लूंगा ऑप्शन बी है श्याम का आपसे क्या संबंध है तीसरा है आपका मैंने पुस्तक पढ़ ली और आपका ऑप्शन नंबर डी कहता है आपको सूचित कर दिया जाएगा तो जिस सर्वनाम में अपनेपन का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप स्वयं Cude. और स्वतः जैसे शब्द का प्रयोग निजता का प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है तो निजवाचक सर्वनाम में चार प्रकार के तत्व जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं तो इसका आंसर होगा मैं यह काम आप ही कर लूँगा ठीक है अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या कहता है कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है अब आप कहेंगे कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होते हैं जिस सर्वनामिक शब्द में किसी पास या दूर के ऐसे व्यक्ति या वस्तु जिसकी निश्चितता का

और दूर में होते हैं तो जब आपके पास और दूर में हैं जिसकी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं प्रश्न ने क्या पूछा कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है ऑप्शन ए है कुछ भी ऑप्शन बी है कुछ न कुछ ऑप्शन सी है सब कुछ और ऑप्शन डी है जो और वह तो यह सर्वनामिक शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है क्योंकि जब किसी निश्चितता का बोध न हो तो वहां पर कुछ कोई और सब जैसे शब्द का इस्तेमाल करके हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पहचान प्राप्त करते हैं इसलिए कुछ कोई सब इसका प्रयोग जो है वो अनिश्चितता बताने के लिए किया जाता है कभी कभी सर्वनामिक शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए हम इस शब्दों में रिपीटेशन कर देते कुछ न कुछ सब कुछ कुछ भी कहीं कहीं ऐसे शब्द का इस्तेमाल जो है वो बहुवचन बनाने के लिए किया जाता है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या कहता है उसे क्या पता जिसने कभी कोई कष्ट ना हुआ? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो वाक्य में कौन सा सर्वनाम है पहला दिया आपका ऑप्शन में संबंधवाचक सर्वनाम ऑप्शन दूसरे में दिया है निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन तीसरे में दिया है प्रश्नवाचक सर्वनाम और ऑप्शन चौथे में दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है जहाँ एक सर्वनामिक शब्द का संबंध दूसरे सर्वनामिक शब्द से जोड़ा जाए वहाँ संबंध बोधक सर्वनाम होता है जो सो जिसकी उसकी जैसा वैसा कहता है तो संबंध बोधक जहाँ अपनेपन का बोध हो आप स्वयं खुद स्वतः वहाँ निजता का बोध होकर निजवाचक सर्वनाम है जब किसी व्यक्ति विशेष से प्रश्न पूछा जाए कौन क्या किसे किसने किसको किसका तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करें तो अभी मैंने बताया जहाँ पर सर्वनामिक शब्द की निश्चितता का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं तो संबंध बोधक को हम कहते हैं आपका रिलेटिव प्रोनाउन निजवाचक को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और अनिश्चयवाचक को इनडेफिनेट प्रोनाउन के नाम से पुकारा जाता है यहाँ कह रहा है उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो तो उसे का संबंध यहाँ पर जिसे से बताया जा रहा है तो जो सो जिसकी उसकी कहता है तो इस सिचुएशन में वह हमारे लिए आपका प्रश्न का उत्तर होता है जिसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर आपका ए जिसमें आपके संबंध का बोध जो है वो हो रहा है अगला प्रश्न है आपका नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी इस वाक्य में आपने यह किस प्रकार का शब्द है ठीक है तो जिस सर्वनामिक शब्द में हम देखते हैं ऐसे प्रयोग जहाँ पर वह अपनेपन का बोध करा रहा है तो वहाँ पर हमारे लिए होता है आपका निजवाचक सर्वनाम ठीक है लेकिन यहाँ पर किसको संबोधित किया जा रहा है नेहरू जी को ठीक है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है निजवाचक सर्वनाम ऑप्शन बी दिया है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम ऑप्शन दिया है अन्य पुरुष सर्वनाम और ऑप्शन डी है कोई नहीं अब निजवाचक सर्वनाम तो पता है तो निजवाचक सर्वनाम में आप स्वयं खुद स्वतः का प्रयोग जो है वो किया जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले प्रयोग होने वाले शब्द को हम व्यक्तिवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से पुकारते हैं यहाँ तीन प्रकार के पुरुष होते हैं एक होता है प्रथम पुरुष एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है हमारे लिए अन्य पुरुष ठीक है प्रथम पुरुष में वह अपने नाम के बदले मैं का प्रयोग करता है मध्यम पुरुष के लिए हम तू तुम या रेस्पेक्ट देने के लिए आप का प्रयोग करते हैं जो आपके अन्य व्यक्ति हैं उसके लिए हम ये वे इस उस जैसे शब्द का प्रयोग जो है वो करते हैं यहाँ पर आपने कहा है ठीक है अब आपका दिमाग का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा होगा कि निजवाचक होना चाहिए क्योंकि आप स्वयं खुद ये हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम है लेकिन वह अपनेपन का बोध कराएगा मैं आप ही चला जाऊंगा मैं या आप ही काम कर लूंगा तब हमारे लिए वह निजवाचक सर्वनाम है लेकिन यहाँ पर वह किसको संबोधित कर रहा है यहाँ पर वो सेकेंड पर्सन आपके नेहरू जी को संबोधित कर रहा है इसलिए यहाँ पर आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि यहाँ नेहरू जी को संबोधित कर रहा है कि आपने स्वतंत्रता संग्राम में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी जेल में रहते हुए तो सेकंड पर्सन को संबोधित कर रहे हैं इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न है सोनू गया और सोनू घर गया दोनों वाक्य में क्रिया के प्रकार का युग्म है अब यहाँ पर प्रश्न आपको क्रिया से पूछा जा रहा है प्रश्न आपको क्रिया से पूछा जा रहा है तो ध्यान समझने वाली बात है कि संज्ञा और सर्वनामिक शब्द के द्वारा जिसके किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो शब्द में जहाँ वाक्य में किसी भी प्रकार के कार्य का करना या उसका होना पाया जाए उसे कही जाती है क्रिया क्रिया को करने वाले व्यक्ति को कर्ता कहते हैं और उनके द्वारा किया करने वाला कार्य उनका कर्म कहलाता है तो सोनू गया और सोनू घर गया दोनों में किस प्रकार के क्रिया का युग्म है ऑप्शन ए दिया है प्रेरणार्थक और सकर्मक ऑप्शन बी है अकर्मक और सकर्मक ऑप्शन सी है पूर्वकालिक और तात्कालिक और ऑप्शन डी है अकर्मक और द्विकर्मक तो समझने वाली बात है कि हम इनके अंदर की चीजों को जानेंगे तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है एक होती है हमारे लिए सकर्मक क्रिया ठीक है और दूसरी होती है हमारे लिए अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है उसे सकर्मक कहते हैं जिस वाक्य में कर्म नहीं पाया जाता उसे अकर्मक कहते हैं जिस वाक्य में प्रश्न पूछे जाने पर कर्म से संबंधित जवाब मिलते हैं उसे कर, सकर्मक कहते हैं जहां जह कर्ता से संबंधित जवाब मिलते हैं उसे अकर्मक क्रिया कही जाती है जिस वाक्य में दो कर्ता है इसलिए कर्म भी दो होंगे तो वहाँ होती है हमारे लिए द्विकर्मक क्रियाएँ अब प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है जहां कर्ता किसी कार्य को स्वयं नहीं करता बल्कि दूसरे को कार्य हेतु प्रेरित करता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है ठीक है पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है जहां कर्ता किसी एक कार्य को पूरा कर लेने के बाद उसी समय दूसरे कार्य को करने में जुट जाता है तो उस कर्ता के द्वारा जो भी क्रिया पहले पूर्ण की जा चुकी है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं उसी पूर्वकालिक क्रिया की पहचान होती है कि जब वो कर जुड़ता जैसे जाकर चखकर देख कर उठ कर बैठ कर तब वह पूर्वकालिक क्रिया है लेकिन तात्कालिक क्रिया क्या है जब वह पूर्वकालिक क्रिया को कर रहा होता है तो तत्काल प्रभाव से जब कोई क्रिया जाते उठते बैठते जाते ही वह सो गया पढ़ते ही वह गिर पड़ा अगर कहते हैं ठीक है तब वह हमारे लिए तात्कालिक क्रिया हो जाती है तो यहां पर क्या कह रहा है कि किसका ऑप्शन है ठीक है ऑप्शन ये दिया है सोनू गया अब सोनू हमारे लिए करता है और गया हमारे लिए क्रिया है ठीक है दूसरा सोनू करता है गया क्रिया है और घर जो है वो कर्म है तो प्रेरणार्थक क्रिया की पहचान क्या होती है जब किसी क्रिया के मूल धातु शब्द में जब किसी क्रिया के मूल धातु शब्द में अगर हम प्रेरणार्थक की बात कर रहे हैं तो हम वाना लगवा देते हैं ठीक है ना तो लिखाना लिखवाना चढ़ना चढ़ाना चढ़वाना तो जहां पर वाना और आपके ऐसे प्रयोग होते हैं जहां करता स्वयं नहीं कर रहा किसी को प्रेरित कर रहा है तो इसे हम कॉजेटिव वर्ब के नाम से पुकारते हैं सकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं तो सोनू गया कह रहे हैं तो सोनू किसी को प्रेरित नहीं कर रहा है इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया यह नहीं है सकर्मक की बात की जाए तो दूसरे वाक्य में सकर्मक है परंतु पहले वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है दूसरा अब दिया जाए तो सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का जोड़ा दिया है तो हाँ सोनू गया कह के पहले वाक्य अकर्मक है और दूसरा सकर्मक है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पूर्वकालिक क्यों नहीं होगा क्योंकि पूर्वकालिक में यदि वह कहता जाकर देखो कमरे की क्या हालत बनाई है तो मूल धातु में कर प्रत्यय जुड़ा तो पूर्वकालिक क्रिया है इसी का तात्कालिक रूप कैसा होता है जाते ही वह उठ बैठा कहते हैं तो वहां पर मूल क्रिया में ते जुड़ जाएगा तो तात्कालिक क्रिया होगी अकर्मक और द्वित द्विकर्मक जहाँ दो कर्म पाया जाता है जहाँ दो कर्म पाए जाते हैं जैसे मोहन नरेश को पत्र लिखता है तो मोहन के द्वारा नरेश को पत्र लिखा जाना और नरेश के द्वारा मोहन के पत्र का पढ़ा जाना तो द्विकर्मक क्रिया होगी ठीक है तो यहाँ पर आपके प्रश्न के आधार पर आंसर होगा आपका ऑप्शन आप नंबर आपका बी ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर क्रियाओं में कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है सबसे पहले जानेंगे कि अनुकरणात्मक क्रिया क्या होती है किसी आवाज़ या ध्वनि की नकल पर बनने वाली क्रिया को अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं जिसे इमिटेट वर्ब के नाम से पुकारा जाता है ऑप्शन ए है झुठलाना ऑप्शन बी है मिमियाना ऑप्शन सी है हिहिनाना और ऑप्शन डी है आपका फड़फड़ाना तो अनुकरण क्या नहीं है आपके बकरी की आवाज़ से बार बार मिमियाने क्या रहते थे ये मिमयाना है फड़फड़ की आवाज़ से फड़फड़

जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ब कहा जाता है यानी कि जैसे लतियाना कहता है, इसी प्रकार अगर कहते, के पर, जैसे कि कहता है, तो है। कार्य को पूरा कर लेने के बाद दूसरे कार्य में जुट जाता जो पहले उसने कार्य पूरा किया वही उसकी पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी लेकिन जब दो या दो से अधिक धातुओं यानी कि क्रिया शब्दों को मिलाकर एक नए क्रिया का रूप दिया तो उसे ज्वाइंट वर्ब यानी कि हम उसे यौगिक क्रिया कहते हैं जैसे कि यौगिक क्रिया में अगर वो कहता है उठ बैठा अगर कहता है चला गया तो जहां दो क्रियाओं को जोड़कर दो या दो से अधिक धातु शब्दों के योग से क्रिया का रूप दे दिया जाता है तो वहां पर होती है हमारी यौगिक क्रिया ऐसी सिचुएशन में जो क्रिया पहले प्रयोग की जा रही है उसे प्रधान क्रिया या हम उसे मुख्य क्रिया कहते हैं लेकिन जो क्रिया बाद में प्रयोग की जा रही है उसे हम सहायक क्रिया के नाम से पुकारते हैं ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या करें लिखवाना में कौन सी क्रिया है मैंने अभी बताया जहां पर कर्ता स्वयं कार्य को कर रहा है तो वहां पर उसके लिए वह क्रिया है ठीक है लेकिन जब वह कर्ता किसी दूसरे को कार्य करवा रहा है तो वहां पर हमारे लिए हो जाती है आपकी प्रेरणार्थक क्रिया तो जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है सकर्मक है जहां किसी आवाज ध्वनि की नकल पर बनी तो अनुकरणात्मक है पहले कार्य पूरा कर ले रहा है तो पूर्वकालिक है लेकिन किसी को कार्य करने हेतु तो प्रेरित कर रहा है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है सकर्मक को ट्रांजिटिव अनुकरणात्मक को आपका कहते हैं आपका इमिटेट वर्ब और पूर्वकालिक को एब्सलूट वर्ब के नाम से पुकारा जाता है प्रेरणार्थक को कॉजेटिव वर्ब कहा जाता है अगले प्रश्न की ओर आते हैं हेमा ने पाठ पढ़ लिया वाक्य में कौन सी क्रिया है क्या वो सामान्य क्रिया है क्या वो संयुक्त क्रिया है क्या वो नाम धातु है क्या वो पूर्वकालिक है जहाँ पर सामान्य तौर पर किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं चाहे वो सकर्मक वाला वाक्य हो या अकर्मक वाला वाक्य हो जैसे कि पिताजी कार्यालय जाते हैं यह भी सामान्य क्रिया है पिताजी जाते हैं यह भी सामान्य क्रिया है जहां पर दो क्रियाओं को जोड़ दिया जाता है तो वहां होती है संयुक्त क्रिया पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है दो क्रियाओं को जोड़ दिया गया है इसलिए संयुक्त क्रिया है नाम धातु आपको बता ही दिया है मैंने पूर्वकालिक भी आपको मैंने समझा दिया तो हे मैंने पाठ पढ़ लिया वाक्य में कौन सी क्रिया है तो यहाँ पर आपकी ज्वाइंट वर्ब यानी कि संयुक्त क्रिया है अगला दर्शन का वचन बताइए अब आपने संज्ञा सर्वनाम क्रिया और आपके तीन प्रकार के पक्ष को यहाँ पर प्रश्न के माध्यम से जाना है ठीक है यानी कि संज्ञा जान ली सर्वनाम जान लिया और क्रिया ये तीन आपके विकारी शब्द, उसको विकार उत्पन्न कराने का कारण कहलाता है वचन। तो संज्ञा और सर्वनाम की एकता या उसकी बहुलता का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहा जाता है। हिंदी भाषा के अंतर्गत केवल दो प्रकार के वचन पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए बहुत सारे प्रत्यय शब्द हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे जन गण वृंद समूह ऐसे तत्वों का प्रयोग लोग ऐसे शब्द का प्रयोग करके एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन किए जा सकते हैं दूसरी बात कभी कभी उपसर्ग के तौर पर ढेर खूब बहुत ऐसे शब्द का प्रयोग करके भी हम एक वचन से बहुवचन का निर्माण कर सकते हैं कुछ शब्द हमेशा एक वचन में होते हैं और कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में होते हैं यहाँ पूछा है दर्शन का वचन बताइए क्या वो एक वचन है क्या वो द्विवचन है क्या वो बहुवचन है? है क्या कुछ भी नहीं तो दर्शन आंसू हस्ताक्षर अगर कहता है आपका ठीक है तो दर्शन आंसू हस्ताक्षर अगर कहता है कैंची कहता है पैर कहता है ठीक है इसी प्र कार अगर कहता है जनता इसी प्रकार कहता है प्रजा ठीक है ये सारे जो भावनात्मक शब्द हैं वो सब हमारे लिए वचन की श्रेणी में आते हैं तो कहने का क्या मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो प्राण दर्शन आंसू हस्ताक्षर होठ कैंची समाचार लोग जनता नेता पुलिस प्रजा होश अक्षत और जो आदरणीय व्यक्तित्व होते हैं वो सब बहुवचन की श्रेणी में आते हैं लेकिन यदि वो गिरी क्षमा क्रोध छाया प्रेम मिठास करुणा कहता है, दया कहता है इस प्रकार वर्दी कहता है सेना कहता है जाति कहता है सहायता कहता है सोना स्टील दूध दही कहता है तो सब हमारे लिए एक वचन की श्रेणी में आते हैं तो दर्शन कैसा शब्द है आपके बहुवचन का शब्द है ठीक है संज्ञा के विकारी होने का एक कारण वचन भी है क्या आप इस कथन से असहमत हैं क्या आप सहमत हैं तर्क संगत नहीं है क्या कोई नहीं जी हाँ हम इसके बात से पूरी तरह से सहमत हैं क्योंकि संज्ञा यदि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में अगर वो कह रहा है जैसे कि आपकी जैसे कह रहा है गंगा नदी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन में नहीं बदलेगा लेकिन जातिवाचक संज्ञा यदि वो कहता है बूढ़ा तो बहुवचन में बूढ़े हो जाएगा लड़का से लड़के हो जाएगा इसी का शिक्षक से आपके शिक्षिकाएं हो जाएंगी ठीक है लिंग के अनुसार में शिक्षक से शिक्षिका हो जाएंगी अध्यापक से अध्यापक गण हो जाएंगे तो वहां पर हमारे लिए विकार उत्पन्न कराने के लिए संज्ञा को हम सहमत हैं जो उसमें विकार उत्पन्न करता है वचन परिवर्तन हेतु तो प्रयुक्त प्रत्यय शब्द नहीं है गण वृंद जन और मन अध्यापक गण शिक्षक गण युवा कहते हैं युवा गण छात्र गण कहते हैं तो हम गण का प्रयोग करते हैं बहुजन कहते हैं दो जन दस जन बहुत जन कहते हैं इसी प्रकार पक्षी वृंद खग वृंद कहते हैं लेकिन मन शब्द का प्रयोग जो है वो छत्तीसगढ़ी में वचन परिवर्तन के लिए होता है हिंदी में इसका प्रयोग जो है वो नहीं किया जाता इसलिए सिक्सटीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है अब आते हैं। एक वचन बहुवचन का गलत जोड़ी वाला युग्म है यहां पर एक वचन से बहुवचन के प्रयोग वाले तत्व जो है वो दिए गए हैं तो यहां पर जानेंगे कि क्या शाला से शालाएं हो जाएंगी बुढ़िया से बुढ़िया इसी प्रकार रानी से रानियाँ राजा से राजाएं तो शाला से शालाएं हो जाता है रानी से रानियां हो जाता है बुढ़िया से बुढ़िया हो जाता है लेकिन राजा से राजाओं होता है राजाएं नहीं होता तो वचन परिवर्तन के लिए बहुत से तत्व तक कि आप शब्द को हम ए में बदल देते हैं जैसे लड़का है तो लड़के कपड़ा है तो कपड़े बक्सा है तो बक्से कभी कभी हम ए में बदल देते हैं रातें मशीनें कहते हैं ठीक है इसी प्रकार हम यहां पर या को या में बदल देते गुड़िया चिड़िया पुड़िया कहते हैं इसी प्रकार हम देखते हैं तो हम ए बदलते चल

परिमाणवाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण जहां संज्ञा शब्द की मात्रा के आधार पर विशेषता बताया जाता है तो परिमाणवाचक विशेषण होता है यानी कि आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसमें भी निश्चित और अनिश्चित मात्रा बताकर निश्चित परिमाण और अनिश्चित परिमाण हो जाता है जहां संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाती है जैसे गिना जा सके है ना तो उसे संख्यावाची विशेषण यानी कि आप काउंटेबल न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं या हम उसे अनकाउंटेबल न्यूमेरिकल्स के आधार पर न्यूमेरिकल्स एडजेक्टिव यानी कि संख्यावाची विशेषण के दो रूप को जानते हैं जहाँ गुण रूप रंग आकार प्रकार स्वाद दिशा गंध अवस्था हालात अगर कहता है ये सब हमारे लिए गुणवाचक विशेषण की श्रेणी में आते हैं अगला जहाँ संज्ञा शब्द से पहले कोई सर्वनाम का शब्द आता है जिसके द्वारा उसे संज्ञा की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ सर्वनामिक विशेषण होता है साढ़े पाँच दर्जन केले कह रहा है तो साढ़े पाँच दर्जन को गिना जा सकता है लेकिन साढ़े पाँच लीटर कहता साढ़े पाँच किलो कहता पाँच मीटर कहता तो जैसे नापा और तौला जाए वो परिमाण है नाप और तौल और माप जो है है ना वो हमारे लिए परिमाण है लेकिन जो गिनती है जिसे गिना जा सके वो हमारे लिए संख्यावाची तो साढ़े पाँच दर्जन केले को गिना जा सकता है इसलिए संख्यावाची विशेषण होते हैं परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित है और संख्यावाची में भी निश्चित और अनिश्चित है जहाँ नाप तौल निश्चित है वहाँ निश्चित परिमाण जहाँ संख्या निश्चित है निश्चित संख्या जहां नाप तौल निश्चित नहीं है अनिश्चित परिमाण जहां संख्या की गिनती निश्चित नहीं है अनिश्चित परिमाण है अगर वो संख्या में कहता है जैसे कि एक दो तीन चार दो गुना दस गुना बीस गुना हजार गुना कहता है पहला दूसरा तीसरा चौथा कहता है दोनों तीनों दसो बीस सैकड़ों कहता है तब वो निश्चित संख्या है यदि सब कुछ बहुत कहता है तो अनिश्चित है अगर दो लीटर पाँच किलोमीटर कहता दो पाव एक पाव कहता तो निश्चित परिमाण है लेकिन जरा सा तनिक थोड़ा कहता है तो अनिश्चित परिमाण है ठीक है अब अगर रूप रंग आकार प्रकार स्वाद गंध कहता गुण है और सर्वनामिक विशेषण में आपके सर्वनामिक शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाएगी ट में कुछ चीनी मिला दो वाक्य में कुछ शब्द की पहचान कीजिए परिमाणवाचक विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण निश्चित परिमाणवाचक विशेषण ए और बी दोनों सबसे पहली बात यहाँ पर कि चाय में कुछ में चीनी मिला दो कह रहे तो चीनी जो है वो पदार्थवाचक संज्ञा है पदार्थवाचक संज्ञा है जिसे नापा और तोला जा सकता है तो सबसे पहली बात तो ये कि परिमाणवाचक विशेषण है लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में यहाँ पर नहीं कह रहा है कि दो चम्मच मिलाओ या नहीं कह रहा है कि एक पाव मिलाओ या नहीं कह रहा है कि चुटकी भर मिलाओ इसलिए निश्चित परिमाण यहां पर नहीं बता रहा कुछ चीनी मिला दो कह रहा है जहां मात्रा निश्चित नहीं है इसलिए क्वेश्चन नंबर नाइनटीन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी कि यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है जिसके अंदर यह अनिश्चित परिमाणवाचक के भी श्रेणी में आता है अगला बालिका अपनी कक्षा में सबसे होशियार है वाक्य में विशेषण की तुलना का कौन सा आधार है मूलावत था उत्तरावस्था उत्तमावस्था या कोई नहीं जब रूप रंग आकार प्रकार में इतनी समानता हो कि एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां पर तुलनात्मक विशेषण जो है वो होता है इस तुलनात्मक विशेषण में अगर देखा जाए तो यहाँ तीन प्रकार की अवस्था मानी जाती है जहां सिर्फ गुण विशेष है वहां हम मूलावस्था कहते हैं जहां दो में तुलना की जाए उसे उत्तरावस्था कहते हैं जहां सभी से तुलना की जाए उसे उत्तमावस्था कहा जाता है यानी कि पॉजिटिव डिग्री डिग्री और सुपरलेटिव हिंदी भाषा में देखा जाए तो संस्कृत में यदि वह मूल अवस्था कहता है जैसे कि वो मूल अवस्था में उच्च कहता है ठीक है उत्तरावस्था में देखा जाए तो वहां पर तर प्रत्यय जुड़कर उच्चतर हो जाती है लेकिन सभी से तुलना करता है तो उत्तम अवस्था में वह हमारे लिए उच्चतम हो जाती है हिंदी भाषा में इसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अगर कहते राधा खूबसूरत है तो मूल अवस्था राधा मीरा से सुंदर है कहते तो उत्तरावस्था और राधा सबसे सुंदर है कहते तो उत्तम अवस्था। तो बालिका अपनी कक्षा में सबसे होशियार कह रहा है तो वह उसकी अवस्था है कि इस पूरे कक्षा में सबसे ज़्यादा होशियार कौन है आपकी बालिका ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न में इनमें से कौन सा विशेष्य विशेषण है ऑप्शन नंबर ए मेरा लड़का आलसी है ऑप्शन नंबर बी सतीश सुंदर लड़का है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं सबसे पहली बात विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं विशेषण वो शब्द होता है जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है विशेष्य वो होते हैं जिसके विषय में विशेषता बताई जाती है या तो ये संज्ञा के अनुसार नाम धारण करता है या तो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द सर्वनामिक शब्द होता है यह कभी तो विशेष्य कभी एक वचन में होते हैं तो यह विशेष कभी बहुवचन में होते हैं ठीक है यह विशेष जिनकी विशेषता बताई जा रही है कभी वो फर्स्ट पर्सन है कभी सेकंड तो पर्सन है तो कभी वो थर्ड पर्सन है यह विशेष्य कभी लिंग के अनुसार पुरलिंग है तो कभी स्त्रीलिंग के अनुसार वो स्त्री है ठीक है तो देखा जाए तो यहाँ विशेष्य विशेषण तो जिसके विषय में विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष्य जिसके द्वारा विशेषता बताई जा रही है उसे विशेषण कहा जाता है अब देखा जाए तो अगर हम सतीश सुंदर लड़का है कहें तो लड़का विशेषण का शब्द नहीं बल्कि विशेष का शब्द है सुंदर जो है वो विशेषण का शब्द है इसलिए ऑप्शन नंबर बी नहीं आएगा ठीक है मेरा लड़का आलसी है कहता है ठीक है तो आलसी एक विशेषण का शब्द है और लड़का जो है वो विशेष है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका ए ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर कुछ लड़के जा चुके हैं इस वाक्य में कुछ शब्द के विशेषण की पहचान कीजिए ठीक है पहला है गुणवाचक विशेषण फिर दिया है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण फिर दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण फिर दिया है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण रूप रंग आकार प्रकार स्वाद गंध दिशा देश राष्ट्रीयता अगर सभी प्रकार के गुण संबंधी बोध करा रहा है तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि गुणवाचक विशेषण कहते हैं परिमाण जिसे नापा और तौला जा सके और जहाँ निश्चित मात्रा है तो उसे निश्चित परिमाण कहेंगे ऐसी मात्रा जिसे नापा और तौला नहीं जा सकता उसे अनिश्चित परिमाण कहेंगे ऐसी संख्या जो गिनी जा सके तो जहाँ संख्या के आधार पर विशेषता बताई जाएगी उसे संख्यावाची विशेषण कहा जाएगा और जहाँ संख्या को गिना नहीं जा

क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव इसे इनडेफिनिट क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और इसे इनडेफिनिट न्यूमेरिकल्स का आपका एडजेक्टिव के नाम से पुकारा जाएगा ठीक है अब आते हैं आगे निम्न में पुरलिंग शब्द की पहचान कीजिए यह भी एक बहुत बड़ा कारक है किसी भी संज्ञा और सर्वनाम को आपके परिवर्तन करने का तो शब्द का वह रूप जो उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध कराता है उसे लिंग कहा जाता है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग और जिससे उसे पुरुष जाति का बोध हो उसे पुरलिंग कहा जाता है दूसरी बात कि स्त्रीलिंग और पुरलिंग की बात की जाए तो संस्कृत भाषा में तीन प्रकार की लिंग हैं परंतु हिंदी भाषा में केवल दो प्रकार का लिंग पाया जाता है स्त्रीलिंग और पुरलिंग यदि कोई पद व्यवसाय और कार्य है जो पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा निभाया जा रहा है ऐसी सिचुएशन में उसमें पद के अनुसार महिला प्रधानमंत्री महिला राष्ट्रपति कह सकते हैं लेकिन हम अगर उस पद की बात करें तो वह पद पुरलिंग की श्रेणी में आएगा लेकिन लिंग परिवर्तन के लिए शिक्षक से शिक्षिका अध्यापक से अध्यापिका जो है वो हो जाएंगी यहां कह रहा है निम्न में पूर्विंग शब्द की पहचान कीजिए परिवार मोती परिषद ए और बी दोनों ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि परिषद अगर कहता है ठीक है तो जो आपके ऐसे विशिष्ट स्थान होते हैं जैसे कि आपका वाचनालय मंत्रालय ग्रंथालय अगर कहता है देवालय चिकित्सालय कहता है ये सारे शब्द समाज परिवार अगर कहता है ये सभी हमारे पुर्लिंग की श्रेणी में आते हैं तो परिवार और समाज पुर्णिंग शब्द है यदि हम प्राकृतिक तत्वों में से यदि हम ऐसे तत्वों की बात करें जो आपके रत्नों में आते हैं तो मोती भी पुर्लिंग शब्द की श्रेणी में आता है लेकिन अगर वो सेना कक्षा परिषद कहता है है ना तो ये सारे जो आपकी जो सेना आग पहुंच गई परिषद हो गई सभा बैठ हुई बोलते हैं बैठक की गई कहते हैं तो ये हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं तो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका आपका डी जिसमें परिवार और मोती दोनों पुरलिंग के शब्द हैं ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न क्या कहता है निम्नलिखित में किसके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं पर्वत भाषाएं तिथियां और बी और सी दोनों तो समझने वाली बात है कि देखा जाए तो लिंग परिवर्तन करते समय हम एक चीज पाते हैं कि जितने भी आपके तत्व हैं उन तत्वों में हम ये पाते हैं कि कौन से तत्व पुरलिंग की श्रेणी में होते हैं तो समस्त प्रकार के दिन महीने ग्रंथ पर्वत समुद्र देश राज्य नगर प्रांत विशिष्ट स्थान व्यवसाय और समुदाय सूचक शब्द जो हैं वो हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में होते हैं इसी प्रकार वृक्ष के नाम भी अधिकांशता पुरलिंग की श्रेणी में होते हैं लेकिन नदियां तिथियां लिपि नक्षत्र बोलियां भाषाएं रसोई की सामग्री आभूषण ऐसे तत्व जो आपके पर्व हैं त्यौहार हैं हथियार हैं ये सारे हमारे लिए स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं तो समस्त प्रकार की तिथियां और समस्त प्रकार की भाषाएं दोनों हमारे लिए स्त्रीलिंग होती हैं लेकिन पर्वत जो है वह पुर्विंग की श्रेणी में आते हैं तो ट्वेंटी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी ठीक है you <laughs> अब आते हैं यदि मटर पुरलिंग शब्द है तो दही का लिंग क्या होगा ठीक है तो समझने वाली बात है कि जब अनाज का वर्गीकरण किया गया तो अनाज को पुरलिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया तो जो गेहूँ चावल बाजरा चना मटर तिल उड़द नमक जीरा धनिया यदि कहें तो ये सब हमारे लिए पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं इसलिए मटर पुरलिंग शब्द है लेकिन यदि वह बात कर रहा है मकई ज्वार मूंग खेसारी हल्दी मिर्ची जावित्री दालचीनी शर्करा सौंफ इलायची काली मिर्च कहता है तो वह स्त्रीलिंग की श्रेणी में आता है इसी तरह लिक्विड फॉर्म में भी अगर देखा जाए तो लिक्विड फॉर्म में अगर हम कहते हैं तो आपके जो तरल पदार्थ है इसमें तरल पदार्थ में पानी घी तेल अर्क शरबत, इत्र सिरका आसव काढ़ा छाछ दूध दही घी पानी अवलेह रक्त डीजल पेट्रोल ये पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं लेकिन चाय स्याही शराब लस्सी ठंडाई कॉफी मदिरा कहता है तो स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं तो दही हमारे लिए पुरलिंग का शब्द है और बाकी अगर देखा जाए तो यहां पर मटर पुरलिंग है तो दही भी पुरलिंग का ही शब्द है अगले प्रश्न की खटमल शब्द का लिंग बताइए नपुंसक लिंग है कि एक लिंगीय जीव है कि यह हमारे लिए पुरलिंग शब्द है ठीक है तो कुछ जीव जंतु में लिंग परिवर्तन करना बड़ा आसान होता है जैसे कि कुत्ता है तो कुतिया घोड़ा है तो घोड़ी हाथी है तो हथिनी लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जीव जंतु में जिसमें लिंग निर्णय करना आसान नहीं होता ऐसे तत्व या तो हमेशा पुरलिंग श्रेणी में आते हैं या हमेशा स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं इसलिए खटमल शब्द है जो आपका एक लिंगी जीवन है जो हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में आता है इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी तो खटमल गीदड़ चीता मगरमच्छ, कौ गेंडा कछुआ बाज गरुड़ बिच्छू कागा पशु पक्षी कहता है मेंढक कहता है तो हमेशा पुरलिंग की श्रेणी में आते हैं मैना तितली मक्खी जोंक गिलहरी झी आपकी लोमड़ी कोयल दीमक और भेड़ी कहता है तो ये हमारे लिए हमेशा इस की श्रेणी में आते हैं तो खटमल पुरलिंग भी है और एक लिंगी जीव यानी ऑप्शन नंबर आपका बी और सी दोनों अब आते हैं अगले प्रश्न विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है तो अब तक आपने संज्ञा जान लिया सर्वनाम जान लिया क्रिया वचन विशेषण और लिंग के बारे में आपने जान लिया ठीक है तो हमने क्या जाना कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण एक विकारी शब्द हैं जो वचन और लिंग के अनुसार बदल जाते हैं उन्हें विकार उत्पन्न करने वाले कारकों में वचन और आपके कार आपके जो लिंग हैं वो भी आते हैं अब यहाँ से प्रश्न आपके काल से संबोधित हो रहा है। काल जिसे हम टेंस कहते हैं तो शब्द के जिस रूप से किसी भी कार्य के करने या उसके होने के समय का बोध हो उसे काल कहा जाता है इस काल के तीन प्रभाव हैं वर्तमान काल भूतकाल और भविष्य काल जो चल रहा है वर्तमान जो बीत गया भूतकाल आने वाला है तो भविष्य काल की श्रेणी में रखा जाता है यहाँ प्रश्न जो है वो भूतकाल से पूछा गया है ठीक है विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं यह भूतकाल के किस रूप का उदाहरण है क्या वो सामान्य भूतकाल है क्या वो आसन्न भूतकाल है क्या वो पूर्ण भूतकाल है क्या वो अपूर्ण भूतकाल है तो सबसे पहली बात किसी भी कार्य की समाप्ति का सूचक कहलाती है भूतकाल सामान्य तौर पर कोई कार्य की क्रिया समाप्त हो गई हो तो सामान्य भूतकाल कहलाता है जहाँ क्रिया थोड़े ही समय पहले पूरी हो चुकी है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं सामान्य भूतकाल को पास इंडेफिनेट कहते हैं और आसन्न भूतकाल को इमीडिएट पास्ट टेंस कहते हैं जहां कार्य की पूर्णता का बोध हो कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुके हैं तो पूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है जहां कार्य की पूर्णता का बोधक नहीं हो चल रहा हो भूतकाल से शुरू होकर तो अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम से पुकारा जाता है यहाँ प्रश्न ने क्या पूछा है यहाँ पर प्रश्न ने पूछा है कि विद्यार्थी कक्षा से निकले हैं मतलब कि नहीं बता रहा है कि कब निकले हैं थोड़े ही समय पहले निकले हैं तो यहाँ पर होगा आपका इमीडिएट पास टेंस कि जिस कार्य में वक्ता कर्ता के द्वारा थोड़े ही समय पहले कार्य पूरा किया गया हो उसे हम कहते हैं आसन्न भूतकाल अगर कहता है एग्जाम्पल के तौर तो बच्चा ने मेला देखा तो सामान्य भूतकाल है राधा ने गीत सुनाया तो सामान्य भूतकाल है माता भोजन पका चुकी थी मैंने किताब पढ़ ली थी कहकर पूर्ण भूतकाल है बच्चा पढ़ रहा था माता भोजन पका रही थी कहकर अपूर्ण भूतकाल है लेकिन अब भी परीक्षा समाप्त हुई है या बच्चे अभी कक्षा से निकले हैं कहते हैं तो यहाँ आसन्न भूतकाल होता है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है तो वर्तमान क्या होता है जिसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं तो वर्तमान के मतलब कि इसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस और वर्तमान काल में प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम इसमें यह पाते हैं कि जहां कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है प्रश्न पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में उसने फल खाए अचानक बिजली कौंध उठी मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ कल वर्षा होगी अब यहाँ पर देखें उसने खाए कहकर पूर्णता का सूचक है तो भूतकाल है अचानक बिजली कौंध उठी कह रहा है, तो यह का है। कल वर्षा होगी कहकर भविष्य काल को संबोधित कर रहा है लेकिन मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूं तो वर्तमान काल है। टेंस है कि ऐसी क्रिया वर्तमान में शुरू तो हुई परंतु समाप्त नहीं हुई है तो इसे अपूर्ण वर्तमान काल की श्रेणी का उदाहरण है इसलिए किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है तो ऑप्शन नंबर सी में क्रिया जो है वो वर्तमान काल में हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी वाक्य में काल है क्या वो वर्तमान काल होगा क्या भूतकाल होगा क्या भविष्य काल होगा या संभाव्य काल होगा काल मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं संभाव्य काल नहीं होता लेकिन यदि वर्तमान काल की क्रिया में संभावना व्यक्त की जाए तो संभाव्य वर्तमान होगा जैसे राधा आती होगी मोहन पढ़ती हो मोहन पढ़ता होगा यह संभाव्य वर्तमान काल है संभवता अगर कार्य की पूर्णता के प्रति संभावना है भूतकाल में तो उसने कविता सुनाई होगी मोहन आ गया होगा यह संभाव्य भूतकाल होता है ठीक है और भविष्य खुद में संभावना है इसलिए भविष्यकाल में संभाव्य भविष्यकाल जैसे प्रयोग में संभवतः कल परीक्षा ना हो ऐसा प्रयोग अगर कहा जाए तो संभाव्य भविष्यकाल होगा यहां कह रहा है बूंद भाप बनकर उड़ जाएगी यानी किसकी बात कर रहा है काल की बात जो है वो कर रहा है ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर इनमें से वर्तमान काल का भेद नहीं है सामान्य वर्तमान काल संदिग्ध वर्तमान काल आसन्न वर्तमान काल या पूर्ण सातत्य वर्तमान काल जहाँ सामान्य तौर तो पर किसी भी कार्य के वर्तमान समय में होने का सूचक हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है यानी कि बच्चा पढ़ रहा है कहते हैं तो आपका अपूर्ण वर्तमान काल होता है बच्चा खेलता है राधा जाती है तो वो हमारे लिए सामान्य वर्तमान काल होता है ठीक है जहां पर वर्तमान काल की क्रिया में संभावना व्यक्त की जाए वहाँ संदिग्ध वर्तमान काल होता है राधा आती होगी मोहन पढ़ता होगा कहकर आपके संदिग्ध वर्तमान काल होता है जहाँ पर वर्तमान काल की एक क्रिया शुरू तो हुई परंतु समाप्त नहीं हुई है यानी बच्चा दो घंटे से खेल रहा है ऐसा कहकर वो हमारे लिए पूर्ण सातत्य वर्तमान काल होता है ठीक है जहाँ पूर्णता है बच्चा खेल चुका है बच्चा जा चुका है तो पूर्ण वर्तमान काल होगा लेकिन आसन्न वर्तमान काल का प्रभाव हमारी वर्तमान काल की क्रिया में देखने को नहीं मिलता क्योंकि आसन्न का प्रयोग भूतकाल की क्रिया में देखने को मिलता है जहाँ आसन्न भूतकाल होता है तो सामान्य वर्तमान काल को सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल को डाउटफुल प्रेजेंट कहते हैं पूर्ण सातत्य वर्तमान काल को प्रेजेंट कंटिन्यू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं और आसन वर्तमान काल होता ही नहीं है अब आते हैं अगले पक्ष में किस वाक्य में अपादान कारक है अब देखिए आपने संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम है बदले में आने वाला शब्द सर्वनाम है संख्या बताता है वचन विशेषता बताता है विशेषण उनके द्वारा की जाती है क्रिया उनको करने वाले हैं स्त्रीलिंग या पुरलिंग उनके द्वारा कार्य करने का समय है काल उनको बांधने का काम करता है हमारे लिए कारक तो कारक क्या होता है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित हो वहाँ होती है हमारे लिए कारक रचनाएं जिस चिन्ह के द्वारा उसे प्रदर्शित किया जाता है उन चिन्हों को कारक चिन्ह कहा जाता है इन कारक चिन्हों के देखा जाए तो कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है यदि वाक्य उस पर आधारित है तो कर्ता कारक होगा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का आधार आश्रय कर्म कारक होगा जिस साधन के द्वारा उस कार्य को संबोधित कर रहा है, कर रहा है उस कार्य का संपादन वो हमारे लिए करण होगा अब वह किसी दूसरे को कार्य को समर्पित करता है तो संप्रदान कारक होगा भय है तुलना है और करता से वह तत्व अलग हो जाती है तो अपादान कारक होगा कर्ता और क्रिया का संबंध बताने वाले तत्व को संबंध कारक कहा जाएगा जहां कार्य के स्थान निर्धारित किए जाएंगे वहां हमारे लिए अधिकरण कारक जो है वो होता है कर्ता का नाम होता है परंतु बार बार संभावना नहीं होती उसे उस नाम से पुकारने की इसलिए संबोधन का प्रयोग किया जाता है तो कर्ता के साथ ने कर्म के साथ को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबोधन हे ओ अरे यह आपके कारक विभक्तियों के अंतर्गत चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं प्रश्न ने क्या पूछा है किस वाक्य में अपादान कारक है तो अपदान क्या बताया जहाँ डर है तुलना है या ऐसा तत्व जहाँ कर्ता और क्रिया से वह तत्व अलग हो जाता है तो एबलेशन से का फील देता है उसे हम अपादान कारक विभक्ति कहते हैं तो किस वाक्य में है कहा जाए तो अपादान के कारक विभक्ति मानी जाती है से को ठीक है तो अपादान की कारक विभक्ति मानी जाती है से मुझे अपनी कपाई से खाना मिलता है साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है नर्मदा अमरकंटक से निकलती है कान से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए अब सभी जगह आपको से जो है वो दिखाई दे रहा है ऐसी सिचुएशन में बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है क्यों क्योंकि हमारे लिए करण में भी से का प्रयोग जो है वो किया जाता है करण में भी से का प्रयोग जो है वो किया जाता है तो ध्यान से समझेंगे अगर कहता है मैं हाथ से भोजन खाता हूँ मैं ट्रेन से सफ़र करता हूँ तो ट्रेन से सफ़र करा तो सफ़र करने का माध्यम कौन हुआ ट्रेन किससे से भोजन खा रहा है वो आपके हाथ से ठीक है तुलसीदास के द्वारा रामायण लिखी गई कहता है तो रामायण लिखने के माध्यम कौन हुए तुलसीदास लेकिन वृक्ष से पत्ता गिरता है ठीक है बच्चा पलंग से गिर गया हाथ से गिलास छूट गया कहता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है आपका अलगाव है पृथककरण है मुझे अपनी कमाई से खाना मिल है। खाना मिलने का माध्यम क्या है उसकी कमाई है इसलिए यहां पर करण हो गया साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है तो बुद्धि सुधरती है माध्यम क्या हुआ साधुओं की संगति कान से सुनी बात सुनी गई किसके माध्यम से कान से इस तीन प्रकार के उदाहरण में हमारे लिए करण का प्रभाव हो रहा है लेकिन नर्मदा अमरकंटक नदी नर्मदा अमरकंटक से निकलती है तो नर्मदा कहाँ से अलग हो रही है अमरकंटक से तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है अब आते हैं अगले क्वेश्चन में अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की वाक्य में कौन सा कारक है अपादान कारक है कि कर्ता कारक है कि संप्रदान कारक है कि करण कारक अपादान अभी आपको पता हुआ कर्ता और क्रिया से जब उच्चित्व अलग हो जाता है भय हो तुलना हो तो कर्ता जिसके माध्यम से कार्य को किया जाता है तो उसे हम कर्ता कारक कहेंगे इसमें कारक विभक्ति जुड़ती है ने अपदान में जुड़ती कारक विभक्ति से संप्रदान में जुड़ता है को और जुड़ता है हमारे लिए के लिए ठीक है इसी प्रकार आपके करण में होता है आपका के द्वारा और इसी प्रकार होता है हमारे लिए से ठीक है तो क्या कह रहा है भारत ने अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता दी तो क्या किया अमेरिका के द्वारा भारत को क्या दिया गया सहायता कौन सी आर्थिक तो जब कर्ता के द्वारा किसी कार्य को दूसरे के लिए समर्पित किया जाता है यहाँ पर सहायता देना एक क्रिया है पर किसको सहायता दी गई है भारत को तो भारत को सहायता क्या की गई है समर्पित की गई है संप्रदान कारक इसमें आएगा आपका ठीक है तो समझने वाली बात है कि अमेरिका ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की वाक्य में कौन सा कारक है तो यहाँ पर हमारे लिए संप्रदान कारक है क्योंकि अमेरिका के द्वारा भारत को सहायता जो है वो क्या की गई थी समर्पित की गई थी तो डेलीकेशन है इसलिए इसे डेटिव के नाम से पुकारा जाएगा और संप्रदान कारक कहते हैं तो कर्ता को सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव कहते हैं कर्म को ऑब्जेक्टिव कहते हैं और उसी प्रकार आपके करण को इक्विपमेंटिव या इंस्ट्रोमेंटिव कहते हैं ठीक है करण के बाद संप्रदान कहें तो संप्रदान को डेटिव कहते हैं अपदान को एबलेटिव कहते हैं संबंध को जेनेटिव और अधिकरण को लोकेटिव और और आपके सम, आपके संबोधन को वोकेटिव के नाम से पुकारा जाता है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में कारक है वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है वाक्य में कारक है कर्ता कारक संप्रदान कारक संबंध कारक और करण कारक तो वृक्ष से कुल्हाड़ी का काटना वृक्ष से कुल्हाड़ी का काटना यदि हम कहते हैं तो वृक्ष के कटने का माध्यम कौन हुआ कुल्हाड़ी तो किसके माध्यम से काटा गया कुल्हाड़ी के द्वारा तो यहाँ पर कारक होगा ठीक है आगे बात समझ में अब आते हैं कुएं में पानी है इस वाक्य में पहचानिए क्या करण है क्या कर्म है क्या अधिकरण है क्या अपदान है किसी भी कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य का आश्रय होता है उसका कर्म जिस साधन के द्वारा कार्य किया जाता है वो है करण जिस कर वजह से कर्ता से दत्व अलग हो जाते हैं वो आपादान लेकिन कार्य का स्थान निर्धारण करता है आंतरिक प्रभाव के लिए मे का और बाह्य प्रभाव के लिए पर का प्रयोग किया जाता है कुएं में पानी है गिलास के अंदर जल है कहता है मुझ में कोई दोष नहीं कहता है डाल पर चिड़िया बैठी है आसन पर राजा बैठा है कहते हैं तो वहां पर हमारे लिए अधिकरण कारक होगा तो क्वेश्चन नंबर थर्टी का आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी ठीक है अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है अब यहां से आपके अव्यय या अविकारी शब्द के प्रश्न जो है वो बनते हैं ठीक है अव्यय वे शब्द होते हैं जो वचन लिंग काल कारक के के अनुसार किसी भी प्रकार के विकार उत्पन्न नहीं करते ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है क्योंकि इनमें शब्दों का किसी प्रकार का व्यय या खर्च नहीं होता है तो ऐसे शब्दों को अव्यय या अविकारी शब्द कहा जाता है और उनसे संबंधित प्रश्नों को यहाँ पर हम जानेंगे राधा ध्यान पूर्वक पढ़ती है वाक्य में किस प्रकार का अव्यय है? 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 क्या बोधक है? क्या वे क्रिया है? क्या यह यह संयोजक है या कोई नहीं तो समझने वाली बात है कि मैंने आपको बताया था या अविकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं एक होता है क्रिया विशेषण एक होता है संबंध बोधक एक होता है संयोजक और एक होता है विस्मयादि बोधक यहाँ पर पढ़ना क्रिया है यहाँ पर पढ़ना क्रिया है किस प्रकार पढ़ रहा है वो ध्यानपूर्वक तो यहाँ पर वाक्य में क्रिया की विशेषता बताई जा रही है और क्रिया की विशेषता बताने वाले तत्व को क्रिया विशेषण कहा जाता है जब तक वो क्रिया की विशेषता बता रहा है तब तक वो क्रिया विशेषण है अब तब जब कब सदा हमेशा नित्य प्रतिवर्ष प्रतिदिन प्रति क्षण कहता है तो समय सूचक या कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ अंदर बाहर भीतर इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहता है समीप पास करीब दूर नजदीक कहता है तो स्थानवाचक ऐसा वैसा जैसा तैसा ध्यान से प्यार से शीघ्रता से यथाशीघ्र यथासभव कहता है इसी प्रकार प्रेम पूर्वक श्रद्धा पूर्वक कहता है ध्यान पूर्वक कहता है तो हमारे लिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते इतना उतना थोड़ा कम ज्यादा लगभग अधिक ये सब हमारे लिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं इसलिए क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण यानी कि एडवर्ब कहते हैं है, तो है, तो है तो आपका एडवर्ब होगा। मैनर्स हो जाएगा और अगर इसी है, तो एडवर्ब यहाँ थर्टी फाइव का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपका बी ठीक है अब आते हैं यहां पर बच्चा ढेर सारा दूध पी गया वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है समय सूचक रीतिवाचक परिमाणवाचक स्थानवाचक समय सूचक अभी बताया जहां अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड बताएगा तो समय सूचक है रीति मतलब कि जहां पर कार्य करने का तरीका बताएगा तो रीतिवाचक है जहां स्थान तो बताएगा तो स्थान यहां पर ढेर सारा कह रहा है खूब बहू थोड़ा कम ज्यादा लगभग कहता है यथेष्ट कहता है इतना उतना जितना कितना कहता है जरा सा कहता है तनिक कहता, कहता है तो मात्रा बता रहा है तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहलाएगा बच्चा ढेर सारा दूध पी गया कह परिमाण व चक्रिया विशेषण की श्रेणी में यह हमारे लिए आंसर आएगा अब आते हैं आपका साधन बोधक संबंध सूचक शब्द है अब संबंध बोधक की क्या मतलब होता है इसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं शब्द का वह रूप जो संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आता है और दूसरे पदों से उसका संबंध बताता है वहां संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द होते हैं संबंध बोधक की बात की जाए तो चाहे वो समय स्थान दिशा आपके जो दिशा कारण उद्देश्य हर प्रकार के तत्व का संबंध बताएगा दूसरे पदों से तो जब तक वो क्रिया की विशेषता बता रहा है, मैं प्रतिदिन अगर कहता है मैं ध्यान पूर्वक पढ़ता हूं मैं भीतर बैठा हूं कहता है बच्चा जरा सा खाता है कहता है तो क्रिया विशेषण है समय सूचक स्थानवाचक रीतिवाचक और परिमाणवाचक अब अगर कहता है मैं बैठा हूँ तो आपके लिए वो हमारे लिए एक क्रिया है मैं भीतर बैठा हूँ बलकर क्रिया विशेषण का शब्द है स्थानवाचक लेकिन अगर कहते हैं मैं वृक्ष के नीचे बैठा हूँ तो वृक्ष और आपका संबंध बता रहा है ऐसी स्थिति में वही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अब संबंध सूचक हो जाता है तो कहने का क्या मतलब हुआ कि संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आता है और संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर हम जो संबंध बोधक शब्द जो का के और की का प्रयोग करते हैं ना उसी से जुड़ता है जैसे वृक्ष के सामने है ना इस बात के उपरांत कहता है इसकी अपेक्षा कहते हैं इसके मार्फत कहते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए वह संबंध बोधक अव्यय या अविकारी शब्द जो है वो हो जाते हैं तो कहने का क्या मतलब हुआ कि जब संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद का के, की जैसा संबंध सूचक एक कारक विभक्ति को जोड़ देते हैं है ना संबंध सूचक कारक विभक्ति को जोड़ दिया जाता है और उसके बाद समय स्थान दिशा रीति कारण उद्देश्य संग्रह व्यतिरेक तुलना सादृश्यता हर प्रकार के तत्व का संबंध संबंधकर्ता से जोड़ता है तो संबंध सूचक हो जाता है ठीक है तो यहाँ पर क्या कह रहा है साधन बोधक यानी कि माध्यम सामने कह रहा है तो यह हमारे लिए आपका दिशावाचक होगा उपरांत कह रहा है तो आपका उद्देश्यवाचक होगा अपेक्षा कह रहा है तो तुलनावाचक होगा लेकिन मार्फत कह रहा है इसके माध्यम से इसके द्वारा कह रहा है तो साधन का मतलब ही होता है हमारे लिए माध्यम है ना तो हम कहते हैं ना इसके मार्फत मतलब इसके साधन से इसके जरिए से इसके स्त्रोत इस से तो यहाँ पर हमारे लिए इस थर्टी सेवन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मार्फत तो मार्फत जो है वो साधन बोधक अव्यय की श्रेणी में आते हैं साधन बोधक संबंध सूचक अव्यय शब्द की श्रेणी में आते हैं अब आते हैं अगले संयोजक के कितने भेद होते हैं अब आप कहेंगे कि संयोजक क्या है संयोजक को ही हम समुच्चय बोधक कहते हैं संयोजक को समुच उच्चय बोधक कहा जाता है तो दो शब्द पदों को दो वाक्यांशों को जोड़ने वाला जो शब्द पद होता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द के नाम से पुकारा जाता है यह संयोजक शब्द कभी हम जब सरल वाक्य बनाते हैं मिश्र वाक्य बनाते हैं और संयुक्त वाक्य बनाते हैं तो अति अनिवार्य रूप से वहां पर प्रयोग किया जाता है दूसरी बात इसी संयोजक शब्द के बदले जब आप द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं माता पिता राजा रानी ऐसे सिचुएशन में जो एक कंजक्शन वर्ड्स जो वहां पर एड करते हैं जब वहाँ पर लगे हुए हाइफ़न को हम वहाँ से हटाते हैं तो माता पिता कहता है जैसे कि माता पिता कह रहा है ऐसी सिचुएशन में द्वंद्व समाज के इसके बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा जो दो शब्द पदों को जोड़ने का काम कर रहा है तो उसे ही संयोजक करता है संयोजक के कितने भेद होते हैं तो संयोजक के भेद में ऑप्शन दिया है दो तीन चार और पाँच तो संयोजक शब्द के दो भेद होते हैं एक होता है मैंने बताया है पहले ही समान करण यानी कि जिस संयोजक शब्द में का जो प्रभाव है दोनों शब्द पदों में बराबर समान अधिकार रखता है तो समान अधिकरण होता है इसके चार होते हैं एक तो संयोजक के तौर पर उपभेद होता है एक विकल्प के तौर पर एक विभाजक या विरोध के तौर पर और एक उपभेद होता है हमारे लिए परिणाम के तौर पर इसी प्रकार इसका दूसरा रूप है हमारे लिए व्यधिकरण व्यधिकरण मतलब जब हम एक मुख्य वाक्य से एक उपवाक्य को जोड़ते हैं तो व्यधिकरण होता है जहाँ पर हमारे लिए आपके मिश्र वाक्य बनाते समय प्रधान वाक्य को उपवाक्य से जोड़ने का काम करता है तो व्यधिकरण होता है वहाँ भी आपके समानाधिकरण संयोजक हैं जब उपवाक्य और मिश्र वाक्य को जोड़ रहा है तो व्यधिकरण बन जाता है तो कहने का मतलब कि संयोजक शब्द क्या होते हैं दो शब्द पदों को या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द को संयोजक या समुच्चय बोधक अव्यय के नाम से पुकारा जाता है जिसके दो भेद होते हैं समानाधिकरण और आपके व्यधिकरण अगले प्रश्न की ओर जाते हैं पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया वाक्य किस वाच्य का उदाहरण है वाच्य को इंग्लिश में हम वॉइस कहते हैं ठीक है तो वाक्य में क्रिया के विषय का बोध कराने वाला वाक्य में क्रिया के विषय का बोध कराने वाले तत्व को वाच्य कहा जाता है ठीक है ना बोध कराने वाला इसे हम वाच्य कहते हैं तो वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो समझने वाली बात है कि यहां पर आपके ऑप्शन दिए हैं पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया किस वाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया है कर्तवाच्य ऑप्शन बी दिया है कर्मवाच्य ऑप्शन सी दिया है भाववाच्य और ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं सबसे पहले कर्तृवाच्य को जानेंगे जिसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस कहते हैं जिस वाक्य की क्रिया किस पर आधारित हो कर्ता पर जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के वचन यानी कि एक वचन बहुवचन कर्ता के पुरुष यानी कि प्रथम मध्यम या अन्य पुरुष और कर्ता के लिंग यानी कि स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के अनुसार हो तो कर्ता पर आधारित वाक्य को कर्तृवाच्य कहा जाता है ठीक है जिस वाक्य में किसकी प्रधानता हो कर्म जिस वाक्य की क्रिया कर्म के वचन और कर्म के लिंग के अनुसार हो तो वहां पर होता है हमारे लिए पेशियो वॉइस यानी कि कर्म वाच्य ठीक है तीसरा जहाँ पर कर्ता और कर्म नहीं बल्कि किसकी प्रधानता हो भाव की जहाँ कर्ता और कर्म नहीं बल्कि भाव की प्रधानता हो तो उसे इनपर्सनल वॉइस यानी कि भाववाच्य कहते हैं अगली बात पहचान ान क्या है मोहन पढ़ता है राधा जाती है मोहन किताब पढ़ता है राधा ने गीत गाया कहते हैं तो सारे सेंटेंस कर्ता पर आधारित है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैं इसे तुम जाते हो हम पढ़ेंगे कहता है तो एक्टिव वॉइस यानी कि कर्तृवाच्य होंगे ठीक है जहाँ पर भाव मुझसे रहा नहीं जाता मोहन से खाया नहीं जाता बुजुर्ग से चढ़ा नहीं जाता कहते हैं तो कर्ता कर्म नहीं भाव की प्रधानता है तो वहाँ पर हमारे लिए भाव वाच्य होगा लेकिन सबसे बड़ी पहचान कि पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया कहते हैं तो कर्म की प्रधानता है इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पहचान है जब किसी वाक्य में के द्वारा जैसा कारक विभक्ति जो आपके करण का है इसी प्रकार जो कारक विभक्ति से है ना मोहन से पत्र लिखा गया या पत्र मोहन से लिखा गया कहते हैं तो मोहन के द्वारा तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया मोहन के द्वारा तो यहाँ पर हमारे लिए कर्म जो है वो आपकी कारक विभक्ति के तौर पर आएगा कहने का मतलब क्या हुआ कि जब कर्ता पर आधारित है तो वह हमारे लिए कर्तृवाच्य होगा कर्म पर आधारित है तो कर्म वाच्य होगा अब देखिए मोहन पुर्लिंग है लेकिन यहाँ पर पत्र जो है वो भी पुर्लिंग शब्द है इसलिए लिखा गया कह रहा है अब राधा उपन्यास पढ़ती है राधा उपन्यास पढ़ती है चूंकि कर्ता राधा स्त्रीलिंग है इसलिए उपन्यास पढ़ती है लेकिन अगर कहा जाता है राधा के द्वारा उपन्यास तो उपन्यास पुरलिंग शब्द है इसलिए राधा के द्वारा उपन्यास पढ़ा गया कहेगा तो वह हमारे लिए कर्मवाच्य होगा राधा से पढ़ा नहीं जाता कहेगा तो वह हमारे लिए आपका कौन सा वाच्य हो जाएगा भाववाच्य ठीक है तो कर्ता के वचन लिंग पुरुष के अनुसार अगर क्रिया है तो कर्तवाच्य कर्म के वचन और लिंग के अनुसार है

वाक्य में किसी शब्द पर हमें बल लगाना होता है तब वहाँ हम निपात शब्द का प्रयोग करते हैं बल प्रदान करने के लिए किसी वाक्य में जब किसी शब्द पर जोर लगाया जाता है तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द के प्रयोग किए जाते हैं जो कहीं भी बेवजह रख दिए जाते हैं ठीक उस जगह जहाँ उस शब्द पर बल लगाना है तो ऐसा प्रयोग निपात के नाम से पुकारा जाता है निम्न में निपात शब्द नहीं है कहता है भर तक ही और हो यहाँ निपात शब्द में हो का प्रयोग मैं खाना खाऊंगा मैं पेट भर खाऊंगा कहता है दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा कहता है मैं ही चला जाऊंगा कहता है तो निपात के तौर पर प्रयोग होंगे परंतु हो का प्रयोग निपात के तौर पर किया नहीं जाएगा तो आज की इस लेक्चर वीडियो के अंतर्गत लंबा तो हुआ है लेक्चर परंतु पूरी तरह से मैंने शब्द पद में दोनों शब्द पदों को बहुत गहराई से आपको समझाया है तो एक बार इसको समझने की कोशिश करेंगे जहाँ मैंने पूरी चीज़ों को किस तरह से आपको बतलाई है तो आज के लेक्चर वीडियो में क्या जाना कि शब्द जो रचना के आधार पर आपके तीन थे इतिहास के आधार पर पांच थे और अर्थ के आधार पर दो थे उन्हीं शब्दों का जब प्रयोग किया जाता है अगर उन शब्दों पर वचन लिंग और कारक के अनुसार कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो ऐसे शब्दों को विकारी कहा जाता है जिसके अंतर्गत चार प्रकार के विकारी शब्दों को पढ़ते हैं संज्ञा सर्वनाम क्रिया और विशेषण को उनको विकार उत्पन्न कराने वाले कारक होते हैं हमारे लिए वचन लिंग और आपकी कारक रचनाएँ ठीक है उनके बाद हमने पढ़ा ऐसे शब्द जिस पर वचन लिंग कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता ऐसे शब्दों को या अविकारी कहते हैं जिसमें क्रिया विशेषण संबंध बोधक संयोजक और विस्मयादि बोधक को पढ़ा इनका बंधन होती है कारक विभक्तियां ठीक है तो सबसे पहले बात संज्ञा व्यक्ति वस्तु स्थान या भाव का नाम है बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है उनकी संख्या बताने का काम करता है वचन विशेषता बताने का काम करता है विशेषण उनके द्वारा की जाती है क्रिया उनको करने वाले हैं स्त्रीलिंग और पूर्वलिंग किस समय वो कार्य को संपादित करेंगे वह उनका काल कहलाता है ठीक है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया से सूचित होता है उसे हम कारक कहते हैं जिस चिन्ह द्वारा संबोधित करता है उसे कारक विभक्ति या कारक चिन्ह के नाम से पुकारा जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के तुरंत बाद आकर दूसरे शब्दों से संबंध बता रहा है तो संबंध बोधक और दो पदों को वाक्यांशों को जोड़ रहा है तो वो हमारे लिए आपके संयोजक होते हैं लेकिन वक्ता के विस्मय संबंधी बातों का बोध हो तो विस्मयादि बोधक होता है वह क्या चाय बनाई है कहते हैं तो विस्म बोधक है उफ कितनी गर्मी है कहते हैं तो बोधक है हे मानव ऐसा तुमने क्यों किया कहता है तो विस्म आदि की श्रेणी में आते हैं जहां किसी भी वाक्य में बल प्रदान करने के लिए उसे जोड़ दिया जाए तो वहां पर होता है हमारे लिए निपात शब्द और इस तरह आज के लेक्चर वीडियो के माध्यम से बहुत लंबे टॉपिक को स्वीट एंड शॉर्ट तरीके से टॉपिक वाइज जो ऑप्शन वाइज थे उसमें मैंने समझाने का प्रयास किया है उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको सरलता से समझाने का प्रयास किया होगा इसके जो एम के अंदर जो आपके ऑप्शंस थे उस ऑप्शंस के माध्यम से मैंने आपके सारे टॉपिक चाहे वो संज्ञा हो सर्वनाम हो क्रिया हो हर प्रकार के पक्ष को पूरा करने का प्रयास जो है वो किया है आने वाले वीडियो में हम इसके आगे आपकी परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं मुहावरा लोकोक्ति क्या होता है साथ ही देखा जाए तो आठवीं के स्तर तक उपसर्ग प्रत्यय किस प्रकार प्रयोग किए जाते हैं उनसे संबंधित कुछ तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे पहले से पाँच पाँचवीं तक तो उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग नहीं है इसके अलावा छठवीं से आठवीं तक थोड़े थोड़े से बच्चों को उपसर्ग प्रत्यय भी सिखाया जाता है क्योंकि संस्कृत में उपसर्ग और प्रत्यय के प्रयोग आठवीं की कक्षा से शुरू हो जाते हैं लेकिन हमें संस्कृत का नहीं पढ़ना हमें यहाँ पर पढ़ना है हिंदी का तो थोड़ा सा मुहावरा लोकोक्ति और थोड़ा सा उपसर्ग प्रत्यय को लेकर थोड़े से वाक्य संरचना को लेकर हम यहाँ से प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे ताकि आपके द्वारा परीक्षा में किसी प्रकार के भी अंक में कटौती ना हो ठीक है तो मेरे साथ यही बने रहें पढ़ते रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें मस रहे मेरे सभी बच्चों को अब तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं ढेर सारा प्यार धन्यवाद थैंक यू सो मच लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल माई बच्चा